Now, if I tell you, please pay attention. If I tell you, this is a rod. Sir? Yes. That means when a person lifts up, is lifting a bag and is moving on a ground, sir. Then no work is done by against friction, sir. No work is done against friction, sir. I have already explained here. Why are we asking this question now? No. There has to be no confusion. This is the way it is defined. This is the way it is written in the books. It is not my invention. So be crystal clear. Work done by any force. It is little, you have not learnt it with so much surety. K will be force dot displacement of the point of application of force. Learn to look at it this way only, ruthlessly. Don't go with your emotions and what you have understood earlier. Break all that. Just understand the definition clearly and now apply that anywhere, you will get the right answer. So if I tell you a man is climbing stairs. A man is climbing stairs, a staircase. What is the work done by the normal reaction on the man? Normal reaction is acting upwards, man is getting displaced upwards. Say the man has gone up by say 20 meters up. Now please tell me, will it be normal reaction into 20 or will it be 0? 0. Why? Because when normal act, what is the word? अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन ढंग से समझ में आ रही है, ग्रेविटी वर्क कर रही है, नहीं ग्रेविटी तो उसे नीचे लाएगी, उसे ऊपर कहाँ ले जाएगी? नीचे लाए। फिर वो तो ठीक है, तो किसने वर्क किया और वो ऊपर चला गया? मसल्स राइट, सो वो इंटरनल एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। सर बट ग्रेविटी ने भी माइनस वर्क किया ना, नेगेटिव वर्क, ग्रेविटी भी नेगेटिव वर्क किया। यस, तो मस्कुलर एनर्जी की नाम से। No, this is a very good question. Let me just focus on the now. तो आप देखिएगा, ये L length की एक string है. Now see this, break over. Now L length की एक string है, एक M mass है और ये एक cylinder है. ये cylinder एक pole की तरह है, एक table पे, फ्रिक्शनलेस टेबल पे एक पोल की तरह खड़ा हुआ है और ये टॉप व्यू है, हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं ऊपर से, समझ में आ रहा है? और सिलेंडर पे यहाँ पे ये रस्सी फिक्स्ड है और ऐसे एल लेंथ है और इसको इसके परपेंडिकुलर एक वी नॉट स्पीड दी. प्लीज टेल मी, ये रस्सी और ये सिलेंडर फिक्स्ड है यहाँ पे टेबल पे और ये मास फ्रिक्शनलेस सरफेस में मूव कर रहा है और ये टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल टेबल है ये सारी, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ये. And this pole is fixed. Pole is fixed. तो ये लिपटना शुरू हो जाएगा या नहीं? Yes sir. और जब ये लिपटना शुरू हो जाएगा, so m mass, v not speed, l length, I have given it a speed, तो ये क्या होगा, ये लिपटना शुरू हो जाएगा या नहीं? Yes sir. Yes sir. What will be the work done by the string on the mass? It's moving on a horizontal frictionless surface. तो एक तो mg लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं और बैलेंस्ड है, उनकी वजह से वर्क डन जीरो है. एम आई राइट? यस सर. नाउ टेल मी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन दिस व्हेन इट इज लिप्टोइंग ऑन द टावर? लिप्टोइंग आई मीन रैपिंग अराउंड द टावर. यस सर, ठीक है सर. तो टेंशन, yes, it will start wrapping around it. So while wrapping, what will be the work done by the tension? The string is inextensible. Now actually the question is from Irodo, and the question is ke when it has wrapped around it by an angle theta, what is the sir? No, question is after how much time it has wrapped around it by theta?
Well, the question is कि कितना टाइम लगेगा टू रैप अप सर हम टेंशन ही निकाल लेते हैं वही काफी है हाँ मैं तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बता दिया अब पहले बस इतना बताइए कि टेंशन निकालनी नहीं है टेंशन हाउ मच वर्क डन बाय टेंशन ऑन द बॉडी विल इट बी जीरो और नॉन जीरो बस उतना बताइए सर जब पूरा एंड हो जाएगा नहीं ऑलवेज ऑलवेज कभी भी किसी भी स्टेज पे प्लीज रिमेम्बर जीरो नहीं बॉडी तो मूव कर रही है किसी का तो ठीक होगा गारंटी है सर जब भी बॉडी मूव कर रही है मेरा ये नॉलेज है परपेंडिकुलर टेंशन के डायरेक्शन में थोड़ी ना मूव कर रही है सर हाँ ये कुणाल देखो कुणाल ने पकड़ा है देखिए स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल वही तो कह रहे थे कौन कौन कह रहे थे कौन कौन कह रहे थे कि वर्क डन विल बी जीरो अभी तो सब लोग नॉन जीरो नमन तो नॉन जीरो चिल्ला रहा है सर नॉन जीरो नॉन जीरो नमन मैं नमन ने न्यूट्रल था नमन और ठीक तो अभी क्या है अभी अभी सुनिए अरे हाँ यार सॉरी तो ये क्या है कि टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू इट एंड एट एनी स्टेज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इट इज रिमेनिंग टाइट देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हाट जीरो एंड इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिमेनिंग आई मीन इनएक्सटेंसिबल सो उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज जीरो that means what work done by the tension will always be zero so will it be move with a constant speed or not speed will remain v naught or not yes so the speed of this will always remain v naught ab speed agar v naught rahegi to let me go to some angle theta let me go to some angle phi aur ab mujhe pata hai ki yahan pe speed is v naught तो कैन आई फाइंड आउट कि डी फाई एंगल रैप होने में इसको कितना टाइम लगेगा डी फाई अच्छा टेल मी वन थिंग इज द स्ट्रिंग एंड रेडियस ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट मतलब रेडियस एंड टेंजेंट में एंगल क्या होता है ऑलवेज 90 डिग्री यहां पे रेडियस और टेंजेंट में क्या एंगल है 90 किसी भी जगह पे सो कैन यू टेल मी इस रेडियस और इस रेडियस में एंगल कितना है ये D5. हम जनरल एंगल फाइव पे गए जैसे हम जनरल एंगल एक्स पे डिस्टेंस एक्स पे जाते हैं और फिर डी एक्स करते हैं हाँ तो अब हम फाइव एंगल पे गए और वहां पे डी फाइव एंगल निपटने के लिए विल फाइंड आउट द टाइम टेकन और ध्यान से देखिएगा अब अगर मैंने डी फाइव यहाँ पे लिपटा कैन यू टेल मी ये टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल कितना होगा सिंपल ये भी डी फाइव होगा एंड कैन यू टेल मी अगर ये फाइव एंगल है तो यहाँ पे कितनी रस्सी लिपट चुकी है फर्स्ट आंसर ये कितनी लिपट चुकी है ऑलरेडी रैप कितनी हो चुकी है स्ट्रिंग आर फाइव ऑलरेडी रैप हो चुकी है तो बच कितनी गई है L minus R5. तो ये लेंथ इज L माइनस आर फाइव प्लीज पे अटेंशन और चीज कर सकते अच्छा तो L माइनस आर फाइव इज इक्वल टू V0 यस ध्रुव L माइनस आर फाइव इज द लेंथ इन टू डी फाइव इज द डिस्टेंस जो ये कवर करेगा एंड उसको कितनी स्पीड से कवर करेगा उसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट रह रही है यस और नो यस सर ये हो गया डीटी टाइम के उसको टाइम इतना लगना है डीटी मतलब छोटा सा टाइम जो लगा उस डी फाइव के लिए हो गया काम इंटीग्रेट काम हो गया इंटीग्रेट वी नॉट को इधर ले जाओ इंटीग्रेट करो नहीं इंटीग्रेट तो बहुत इजी है ये लो यार क्या बात करो ठीक है सर बहुत इजी देखो मस्त है हाँ ये लो इंटीग्रेशन तो बहुत देखिए एटीट्यूड राइट रखिए
आप जरा सा कोई क्वेश्चन देख के जरा सा ये सोच लेंगे ना थॉट कि ये तो टफ है या डिफिकल्ट है, बस आप गए। और ये तो बहुत सिंपल है सर। सर एक बात कर दो सर, वन बाय वी नॉट कॉमन लेके सर इनटू थीटा एल थीटा एल टाइम इज जीरो टू टी नॉट एंड फाय क्या होगा जीरो से लेके थीटा नॉट, और थीटा नॉट कितना होगा फाइनली लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, सो इट विल बी एल अपॉन आर्क, टोटल लेंथ एल पड़ जानी है ना इसपे, यस सर, सो थीटा फाइनली होगा एल अपॉन आर्क, खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं, टाइम निकल गया। हैव यू अंडरस्टूड, ये इरोडॉफ का क्वेश्चन है, अब इसको नोट कर लीजिए, समझिए समझिए इसको। आज थोड़ा ध्रुव ने परफॉर्म किया, मतलब उसने सबसे पहले कैच किया ये चीज, तो आई एम हैप्पी, मेरे को ये इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सर मुझे बस एक कंफ्यूजन है, हमने हमने लिया एल माइनस आर फाइव डी फाइव, वो हमने ज्यूम किया कि आज का लेंथ है ना, मैंने क्लियरली बताया कि जब भी दो रेडियस हो तो उनकी जो टेंजेंट्स होती है उनमें वही एंगल होता है जो रेडियस में एंगल होता है। ये जो आर्क लेंथ है, ये जो डिस्टेंस इसने मूव किया वो होगा ये वाली लेंथ इनटू टी फाइव, बट एट दिस मोमेंट व्हेन डी फाइव इज वेरी स्मॉल यू कैन अज्यूम दिस पॉइंट आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोजिशन, डी फाइव वो अप्रोक्सीमेशन तो ऑलवेज रहता है।